ये कहानी शुरू होती है 5000 साल पहले एक प्राचीन देश खानदाक में। खानदाक सदियों से एक बहुत ही खुशहाल और कामयाब देश था, लेकिन फिर वहाँ एक राजा ने कब्जा कर लिया जिसका नाम था एक्टोन। एक्टोन एक बहुत ही खतरनाक और शक्तिशाली राजा था। उसने खानदाक पर कब्जा करते ही वहाँ की प्रजा को गुलाम बना लिया और उन पर जुल्म करने लगा। इस सब के अलावा एक्टोन को काले जादू का जुनून था और वो शैतानी शक्तियाँ हासिल करके पूरी दुनिया पर हुकूमत करना चाहता था। इस मकसद को पूरा करने के लिए एक्टोन को सबाक का ताज चाहिए था, एक ऐसा ताज जिसकी मदद से वो सबाक नाम का एक शक्तिशाली राक्षस बन सकता था। उस ताज को बनाने के लिए इटर्नियम की जरूरत थी। इटर्नियम एक मैजिकल एलिमेंट था जो कि सिर्फ खानदाक में ही मिलता था। इसी वजह से एक्टोन ने वहाँ पर कब्जा किया था और उस एलिमेंट को हासिल करने के लिए वो अपनी प्रजा से दिन रात खुदाई करवा रहा था। फिर बहुत सारा इटर्नियम जमा करने के बाद एक्टोन ने वो ताज बनवाना शुरू कर दिया। लेकिन इसी बीच खानदाक में क्रांति शुरू हो जाती है। वहाँ की प्रजा में से एक बच्चा जिसका नाम हुरुद था, वो एक्टोन के खिलाफ विद्रोह चालू कर देता है जिसमें कई सारे लोग उसका साथ देने लगते हैं। पर इससे राजा बहुत भड़क जाता है और वो इस विद्रोह को रोकने के लिए हुरुद को मौत की सजा सुनाता है। लेकिन जब वहाँ के सैनिक हुरुद को मारने लगते हैं, तभी वो वहाँ से गायब हो जाता है और वो एक गुफा में पहुँच जाता है। उस गुफा में जादूगरों का एक संगठन रहता था जिसमें 7 जादूगर भाई बहन मौजूद थे जो कि पृथ्वी को रहस्यमय खतरों से बचाते थे। उन जादूगरों ने जब हुरुद का हिम्मत भरा काम देखा तो उन्होंने उसे अपनी शक्ति से एक चैंपियन बनाने का फैसला किया ताकि वो खानदाक को आजाद करा सके। फिर वो हुरुद को अपनी शक्तियों से एक पावरफुल चैंपियन बना देते हैं जो कि राजा के खिलाफ लड़ना शुरू करता है। हुरुद ये चाहता था कि एक्टोन वो देश छोड़कर चला जाए, इसीलिए उसने उसकी सेना से लड़ना शुरू किया और उन्हें कई बार हराया। लेकिन एक्टोन वहाँ से जाना नहीं चाहता था, उल्टा वो हुरुद से बदला लेना चाहता था और इसके लिए उसने हुरुद के परिवार पे हमला किया जिसमें उसकी माँ मर जाती है और उसका पिता टेट एडम बुरी तरह घायल हो जाता है। इसके बाद जब हुरुद वहाँ पहुँचता है तो वो ये सब देखकर हैरान रह जाता है और वो अपने पिता को बचाने के लिए उन्हें अपनी पूरी शक्ति दे देता है जिससे हुरुद की ताकत चली जाती है और टेट एडम वो चैंपियन बन जाता है। लेकिन तभी राजा के सिपाही वहाँ आकर हुरुद को मार डालते हैं। इसकी वजह से टेट एडम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तब बदले की आग में उसका रूप बिल्कुल बदल जाता है। फिर वो राजा को मारने के लिए उसके महल जाता है। उधर एक्टोन का वो ताज बन चुका था, लेकिन इससे पहले कि वो उसे पहन पाता तभी एडम वहाँ पहुँच जाता है और फिर गुस्से में उसकी शक्तियाँ बिल्कुल बेकाबू हो जाती है जिससे वो पूरा महल तबाह हो जाता है। यहाँ तक कि उससे खानदाक के कई लोग मारे जाते हैं। दूसरी तरफ जादूगरों के संगठन को टेट एडम की हरकत के बारे में पता चल जाता है और उन्हें लगता है कि वो उनकी शक्ति के लायक नहीं है, इसीलिए वो एडम को अपनी गुफा में बुलाकर उसकी शक्तियाँ छीनने की कोशिश करते हैं। पर एडम उनमें से 6 जादूगरों को मार डालता है और आखिर में सिर्फ एक ही जादूगर बच जाता है जो था जादूगर शज़ैम। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर एडम को उसी गुफा में कैद कर देता है। इसके साथ ही शज़ैम सबाक के उस ताज को भी वहीं छुपा देता है ताकि वो गलत हाथों में ना जाए। राजा एक्टोन अब मर चुका था और टेट एडम गहरी नींद में सो गया था। इस तरह से काफी समय बीत जाता है, लेकिन अब भी बुरे लोगों की नज़र खानदाक पर से नहीं हटी थी। हर कुछ सालों में कोई न कोई खानदाक पर कब्जा करता और वहाँ एटर्नियम की खुदाई करता और खानदाक के लोग इस उम्मीद में जी रहे थे कि एक दिन उनका चैंपियन वापस आएगा और उन्हें बचाएगा। इस तरह से 5000 साल बीत जाते हैं और अब नए दौर में इंटरगैंग नाम की एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन ने खानदाक पर कब्जा कर लिया था और वो इटर्नियम का इस्तेमाल करके खतरनाक हथियार बना रहे थे। इस ऑर्गेनाइजेशन से वैसे तो हर कोई परेशान था, लेकिन एड्रियाना टोमेज नाम की एक औरत जो कि एक कॉलेज की प्रोफेसर थी, उसके पति को इंटरगैंग वालों ने मार दिया था, इसीलिए वो किसी भी तरह इंटरगैंग को हराकर खानदाक को आजाद कराना चाहती थी। एड्रियाना अक्सर इंटरगैंग वालों की जासूसी करती थी और इसी के चलते उसने ये पता लगा लिया था कि इंटरगैंग को सबाक का वो ताज चाहिए जो कि राजा एक्टोन ने बनवाया था, इसीलिए वो उस ताज को ढूंढ रहे हैं। इससे एड्रियाना ये समझ गई थी कि इंटरगैंग वाले उस ताज का जरूर कुछ गलत इस्तेमाल करने वाले हैं, इसलिए वो भी उस ताज की तलाश में लग जाती है। फिर एक दिन एड्रियाना इंटरगैंग के अड्डे पर जाकर वहाँ से एक मूर्ति चुरा लेती है जिसमें उस ताज का नक्शा था।
इसकी वजह से इंटर गैंग वाले एड्रियाना के पीछे पड़ जाते हैं और तब वो उन सब से छुपते हुए उस ताज की खोज में निकल जाती है। इस काम के लिए वो अपने भाई करीम और इस्माइल और समीर नाम के दो लोगों को अपने साथ में रख लेती है। फिर वो चारों मिलकर उस पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं जहां वो गुफा थी जिसमें सबाक का ताज रखा था और टेथ एडम कैद था। इसके बाद वो सब अंदर जाते हैं और फिर जैसे ही एड्रियाना को वो ताज मिलता है तभी इंटर गैंग वाले वहां आ जाते हैं और वो उनसे ताज छीनकर उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। पर तभी एड्रियाना अपनी जान बचाने के लिए टेथ एडम को जगाने का मंत्र पढ़ देती है जिससे वो आजाद हो जाता है और फिर एडम वहां मौजूद सभी इंटर गैंग वालों को मार डालता है। इसी बीच एड्रियाना और करीम वो ताज लेकर वहां से बाहर निकल जाते हैं और उनके वहां से जाने के बाद हमें ये पता चलता है कि इस्माइल असल में इंटर गैंग का लीडर है। उसने पहले एड्रियाना की मदद से वो ताज ढूंढा और बाद में अपने साथियों को वहां बुलवा लिया, लेकिन एडम की वजह से वो ताज उसके हाथ से निकल गया। इसीलिए वो अपनी पूरी फौज को वहां बुलवा लेता है ताकि वो एडम को रोक सके, पर एडम काफी आसानी से उन सबको खत्म कर देता है। लेकिन आखिर में एक सोल्जर एडम के ऊपर इटर्नियम के रॉकेट से हमला कर देता है जिससे वो बेहोश हो जाता है, क्योंकि इटर्नियम ही उसकी एकमात्र कमजोरी थी। एडम के बेहोश होते ही एड्रियाना और करीम उसे अपने साथ अपने घर लेकर चले जाते हैं ये सोचकर कि वो खानदान को बचाएगा। फिर जब एडम को होश आता है तो एड्रियाना का बेटा एमोन उसे ये बताता है कि वो 5000 साल से सो रहा था और अब उनके देश पर इंटर गैंग ने कब्जा कर लिया है। ये सब सुनकर एडम वहाँ से बाहर निकलता है और वो पूरे शहर का एक चक्कर लगाता है। तभी एमोन वहाँ जाकर सबको बताना शुरू करता है कि खानदान का चैंपियन वापस आ गया है और वो इंटर गैंग को उकसाकर एडम के साथ उनकी लड़ाई चालू करवा देता है। दूसरी तरफ यूएस गवर्नमेंट की ऑफिसर अमेंडा वॉलर को ये पता चल गया था कि टेथ एडम आजाद हो गया है और वो खानदान में बहुत तबाही मचा रहा है, इसीलिए वो उसे रोकने के लिए जस्टिस सोसाइटी को खानदान में भेजती है। जस्टिस सोसाइटी एक सुपर हीरो टीम थी जिसमें कार्टर हॉल यानी हॉकमैन, केंट नेल्सन यानी डॉक्टर फेट, अल्बर्ट रॉथस्टीन यानी एडम स्मैशर और मैक्सिन हंकल यानी साइक्लोन, ये सभी हीरोज शामिल थे। फिर जस्टिस सोसाइटी खानदान में पहुंचकर एडम को समझाने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं मानता और तब उनकी और एडम की लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर काफी देर की लड़ाई के बाद एडम वहां से दूर चला जाता है और तब एड्रियाना हॉकमैन को बोलती है कि उन्हें जस्टिस सोसाइटी की जरूरत नहीं है क्योंकि अब खानदान का चैंपियन वापस आ गया है। इस पर हॉकमैन उसे बताता है कि टेथ एडम ने खानदान को बचाया नहीं था बल्कि उसके गुस्से ने खानदान को बर्बाद कर दिया था, इसीलिए उसे रोकना जरूरी है। ये सब सुनकर एड्रियाना जस्टिस सोसाइटी के साथ एडम से बात करने जाती है। इसी दौरान इस्माइल एड्रियाना के घर जाकर एमोन से वो ताज मांगता है पर एमोन उस ताज को छुपा देता है। फिर वो एड्रियाना को कॉल करके बताता है कि इस्माइल इंटर गैंग का लीडर है और वो अपनी फौज के साथ वो ताज लेने वहाँ आया है, इसीलिए एड्रियाना एडम से मदद मांगती है और तब एडम वहाँ जाकर इंटर गैंग वालों को मारने लगता है। उधर जब इस्माइल को वो ताज नहीं मिलता तो वो एमोन को किडनैप करके वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद जस्टिस सोसाइटी और टेथ एडम मिलकर एमोन को ढूंढना चालू करते हैं और तब उन्हें इंटर गैंग के एक आदमी से पता चल जाता है कि वो एमोन को कहाँ ले गए हैं। फिर एड्रियाना और बाकी सब लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं। वहां पर इस्माइल एमोन के बदले में वो ताज मांगता है, इसीलिए एड्रियाना उसे वो ताज दे देती है और तब इस्माइल सबको ये बताता है कि वो असल में राजा एक्टोन का आखिरी वंशज है और वो अपने पूर्वजों का मकसद पूरा कर रहा है। लेकिन इस्माइल वो ताज लेने के बाद भी एमोन पर गोली चला देता है। एडम उसे गोली से बचा तो लेता है पर इस्माइल की असलियत जानकर एक बार फिर एडम की शक्तियाँ बेकाबू हो जाती है और इससे वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है जिसमें इस्माइल और उसके सभी साथी मारे जाते हैं। जस्टिस सोसाइटी वाले इस धमाके से एड्रियाना और एमोन को बचा लेते हैं लेकिन फिर भी एमोन थोड़ा घायल हो जाता है और ये सब देखकर एडम को बहुत पछतावा होता है। फिर वो सबको बताता है कि उसका बेटा खानदान का असली चैंपियन था और वो उस ताकत के लायक नहीं है, इसीलिए वो खुद अपनी शक्तियाँ छोड़कर जस्टिस सोसाइटी के सामने सरेंडर कर देता है। फिर वो सब लोग एडम को लेकर एक अंडरवाटर जेल में जाते हैं। वो जगह सुपर ह्यूमंस को कैद रखने के लिए बनाई गई थी। वहाँ पर एडम को बेहोश करके कैद कर दिया जाता है।
पर इस सब के बाद भी डॉक्टर फेट, जो कि कुछ हद तक भविष्य देख सकते थे, उन्हें बार बार खानदान की तबाही और हॉकमैन की मौत के दृश्य दिख रहे थे। इससे उन्हें समझ में आता है कि खानदान के लिए असली खतरा टेथ एडम नहीं बल्कि कोई और है। उसी टाइम पर जब एड्रियाना उस ताज की लिखावट को पढ़ती है तो उसे समझ में आता है कि इस्माइल जानबूझकर एडम के हाथों मरना चाहता था, क्योंकि उसे उस ताज की शक्ति हासिल करने के लिए चैंपियन के मैजिक की जरूरत थी। इसीलिए उसने शुरू में अपने साथियों को उस गुफा में बुलाया था ताकि एड्रियाना टेथ एडम को आजाद कर दे, और फिर उसने एमोन को किडनैप करके उस पर हमला किया ताकि एडम उसे मार दे। फिर जब इस्माइल के ताज पहनते ही एडम ने उसे मारा तो उससे वो नर्क में पहुंच गया, यही वो चाहता था। और तब नर्क के शैतान इस्माइल को अपनी शक्ति से सबाक नाम का राक्षस बना देते हैं, जो कि वापस पृथ्वी पर लौट जाता है। सबाक का असली मकसद था पृथ्वी को नर्क बनाना। इसके लिए उसका खानदान के सिंहासन पर बैठना जरूरी था। उधर जस्टिस सोसाइटी को ये पता चल जाता है कि इस्माइल सबाक बनकर वापस लौट गया है, इसीलिए वो उसे रोकने के लिए जाते हैं, लेकिन सबाक उन सब पर बहुत भारी पड़ता है। इस सब के बीच डॉक्टर फेट को ये मालूम था कि इस लड़ाई में हॉकमैन मर सकता है, पर वो नहीं चाहते थे कि उनका दोस्त मारा जाए। इसीलिए वो उस भविष्य को बदलने के लिए अपने जादू से एक दीवार बनाकर हॉकमैन, एटम स्मैशर और साइक्लोन को बाहर ही रोक देते हैं, और वो अकेले खानदान के महल में जाकर सबाक से लड़ना शुरू करते हैं। पर लड़ाई के दौरान डॉक्टर फेट को ये एहसास होता है कि सबाक को सिर्फ एक ही आदमी हरा सकता है, और वो है टेथ एडम। इसीलिए वो अपने जादू से एडम से बात करके उसे सबाक के बारे में बताते हैं, और फिर वो उसे कैद से आजाद कर देते हैं। इसके बाद एडम सभी गार्ड से लड़कर उस समुंदर से बाहर निकलता है और वो फिर से चैंपियन बन जाता है। दूसरी तरफ डॉक्टर फेट एडम के वहाँ आने तक सबाक को उलझा के रखते हैं, पर वो कुछ ही देर में मारे जाते हैं, और तब सबाक उस सिंहासन पर बैठ जाता है जिससे मुर्दों की फौज जिंदा हो जाती है, और वो खानदान के लोगों पर हमला करने लगते हैं। लेकिन तभी एड्रियाना, एमोन और करीम आम जनता के साथ मिलकर उस फौज का मुकाबला करते हैं। इसके बाद टेथ एडम भी वहाँ आ जाता है और वो सबाक से लड़ना चालू करता है। फिर काफी देर की लड़ाई के बाद एडम हॉकमैन की मदद से सबाक को मार ही देता है, जिससे उसकी फौज भी गायब हो जाती है। इस सब के बाद जस्टिस सोसाइटी वाले एडम से दोस्ती कर लेते हैं और वो उसे गिरफ्तार करने की बजाय खानदान में ही छोड़कर चले जाते हैं। अब एड्रियाना और खानदान के सभी लोग ये चाह रहे थे कि टेथ एडम वहाँ का राजा बन जाए, पर एडम उस सिंहासन को ही तबाह कर देता है और वो राजा बनने की बजाय खानदान का रक्षक बनने का फैसला करता है, और वो अपना पुराना नाम बदल कर नया नाम रखता है, ब्लैक एडम। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में अमेंडा वॉलर एडम को कॉल करके बोलती है कि भले ही उन्होंने उसे गिरफ्तार नहीं किया, पर अब उसे खानदान में ही रहना होगा। अगर वो वहाँ से बाहर निकला तो उससे निपटने के लिए दूसरे सुपर हीरोज को भेजा जाएगा, लेकिन एडम इस धमकी से नहीं डरता, और तब अमेंडा वॉलर उससे बात करने के लिए सुपरमैन को वहाँ भेजती है। तो दोस्तों, ये थी ब्लैक एडम मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल।